हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वेलकम बैक टू माय चैनल सो मैं यहाँ आज को और एक पिकअप कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिकअ कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वट आर यू नॉट सींग राइट नाव ओके ऐसा कौन सा चीज है जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो ओके सो बेसिकली हमारे पास तीन ग्रुप है आप इन तीन ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके चूज कर सकते हो ओके okay? इसका टाइम स्टैम्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते आपके रीडिंग के साथ सो गाइज ग्रुप नंबर वन में है माउंटेन ओके ग्रुप नंबर टू में है बेयर एंड ग्रुप नंबर थ्री में है जेंटलमैन ओके आप इन तीन में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके चूज कर सकते हो ओके इसका टाइम्स स्टेम्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा ओके अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो सो या लेट्स जस्ट गो योर रीडिंग हेलो ग्रुप नंबर वन अगर आपने ये माउंटेन चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके सो बेसिकली विद द माउंटेन आई एम सीइंग कि यहाँ पे में से बहुत लोगों के लिए देयर दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी जहां पे शायद आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो ओके बट आई एम ऑल्सो सीइंग एट द सेम टाइम कि आपके लिए एक्चुअली रास्ता क्लियर हो रहा है अगर आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे थे तो ओके okay? फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये वेल्थ के आसपास हो सकता है या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद या फिर ऑबस्टिकल्स आप फेस करो इन समे और आदर ओके मुझे वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बट आई एम सिंग इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट अ टाइम ओके बट ऑबस्टिकल well. right हैचुएशन uh, है से बाहर निकल पाए या फिर इस ऑबस्टिकल को आप ओवरकम कर पाए ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सिंग सो लेट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए फ्रॉम द गोल्डन टेरो ऑफ द गोल्डन विल से चार कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके okay? सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाओ सो ग्रुप नंबर वन आप क्या नहीं देख रहे हो जो एंजियस एंड गाइड्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होके सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट कौन सी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सींग राइट नाओ वट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सींग राइट नाओ ओके व्हाट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सइंग राइट नाओ लास्ट कार्ड प्लीज ऑन लास्ट कार्ड What is group number one not seeing right now? Okay. Yeah, Queen of Pentacle. Okay at the bottom of the deck. <clears throat> so let's see. Let's see. Let's see. So your first card is Strength. Okay. Strength. Your next card is Two of Cups. Okay. Two of Cups. Your next card is Queen of Cups in reversed. Okay. सॉरी oh, ये आपका फर्स्ट कार्ड था क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स स्ट्रेंथ टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वन ओके दिस इज अ गुड थिंग सो आप क्या नहीं देख पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट जो आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स इतना दिखाने की कोशिश कर रहे ओके okay? कौन सी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो सो फॉर ग्रुप नंबर वन आई एम सींग यहाँ पे या इमोशनली आप फुलफिल नहीं फील कर रहे हो बट एट द सेम टाइम योर एंजर्स एंड गाइट आर सींगचुअली सिचुएशन इज प्रमच बैलेंसड एंड परफेक्ट हमें से बहुत लोगों के लिए ओके okay, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा शायद स्टब्बरनेस था किसी चीज के आसपास ओके एट दिस करेंट मोमेंट विद क्वीन ऑफ कपस इन रिवर्स आप बहुत ही ज्यादा मूडी फील कर रहे हो शायद ओके okay, सो so ये इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि यू uh, नो you know, कुछ ना कुछ खराब होने वाला है या फिर कुछ बहुत कुछ खराब जा रहा है आपके लाइफ में शायद वैसा कुछ इनर गट फीलिंग आपको आ रहा है क्योंकि आपको एक्सटर्नल सिचुएशन में जैसा रिजल्ट आपको चाहिए शायद वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है दैट में बी वन थिंग ओके जिसके वजह से थोड़ा सा लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे कुछ वैसा वाइब मिला यहां से जिसके वजह से फॉर सम ऑफ यू आप आपको लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो जैसा आप कनेक्ट करना चाहते हो जैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो अपनी इंट्यूशन से वैसे आप कर नहीं पा रहे हो आपको वैसा लग रहा है सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ बैलेंस जैसा लग रहा है वेन इट कम्स टू योर इमोशन डेफिनेटली मूड स्विंग्स हो रहा है शायद आम में से बहुत लोगों के लिए लेकिन वट यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ इज बेसिकली एवरी थिंग इज परफेक्टली फ्लोइंग इन योर लाइफ ओके सब कुछ सही जगह पे है सब कुछ आपके कंट्रोल में है ओके okay? यहाँ पे कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए बट इट्स जस्ट योर यू नो शायद आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर ये बस एक मूड स्विंग है ओके okay? जो एक जनरल फ्लो होता है लाइफ में यू नो हाइज एंड लोज जो होता है ये नेचुरल होता है सो so आप में से बहुत लोगों के लिए इट विल बी रियली गुड अगर आप um, अपने आप को थोड़ा और ज्यादा यू नो अपना जो एनर्जी है उसको रिजुविनेट करें या फिर आप बाहर जाइए ओके okay? uh, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीन कि आपका जो यू uh, नो you know, एनर्जी है वो फिर से रिजुविनेट होगा ओके सो दैट्स द वाइफ आई एम गेटिंग सो इट्स बेसिकली जस्ट नॉर्मल हाइज एंड लूज हमें से बहुत लोग के लिए इट्स अराउंड योर यू नो शायद uh, ये मुझे कुछ ऐ, ऐसा वाइब मिल रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे शायद नेचुरली बॉडी वाइज आप में से बहुत लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हो देर मे बी वन थिंग क्योंकि पूरा ड्रेनेज हो चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी बट व्हाट यू आर नॉट सींग बेसिकली अगर आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है कोई पार्टनरशिप है देन दिस इज द वन ओके दिस इज द वन एंड आई एम कि उसमें बहुत परफेक्ट बैलेंस है स्टेबिलिटी है इक्वल गिव एंड टेक है ओके okay? सो so, yeah, ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे ये इंसान आपको इक्वली समझता है जितना आप इनको समझते हो सो so, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है कमिटमेंट लॉयल्टी एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट ओके सो आई एम डेफिनेटली सींग बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन यहाँ दिखाया जा रहा है लेकिन आप में से बहुत लोग के लिए परहैप्स यू हैव क्वेश्चन अराउंड दैट ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू एज वेल वट यू आर नॉट सींगट नाव इज की आप एट दिस करेंट मोमेंट अपने कनेक्शन में जितना ज्यादा यू नो फोकस करेंगे इवेंचुअली आपका एक सही टाइम आएगा वेन इट कम्स टू योर करियर पर है क्योंकि मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो इवन इफ आपके सामने बहुत कुछ है जिनको लेके आपको अप्रिशिएटिव या फिर जिनको लेके आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए ओके क्योंकि फिनेंशियली शायद थोड़ा सा कुछ चीज़ें शायद रुका हुआ है में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस रुका हुआ है जिसके वजह से शायद आपके सामने जो है इसको भी आप अप्रीशिएट नहीं कर पा रहे हो या फिर यू फील लिटिल बिट ब्लॉक्ड लेकिन यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो है कि एवरी थिंग इज़ परफेक्टली फाइन ओके okay, आप डेफिनेटली अपने पावर में हो अपने एलिमेंट में हो ये बस आपको लग रहा है कि आप नहीं हो लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी आप पावर में हो एंड इस कनेक्शन में परफेक्टली एक मुझे यहाँ बैलेंस दिखाई पड़ रहा है ओके एंड इवेंचुअली आप जितना ये टाइम के साथ ओके okay, फ्लो में चलेंगे उतना ज़्यादा सही टाइम में आपके लिए सक्सेस भी आएगा अगर आप किसी रिकॉग्निशन के लिए वेट कर रहे हो तो ओके okay, सो so वो उसका भी खुद का एक टाइमिंग होगा ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सींग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप डेफिनेटली ये आपके लाइफ पर्पज के आसपास है या फिर करियर के आसपास जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि ये जल्दी हो जाए या फिर फिनेंशियली जो भी है ओके okay, आपका जो आपको जैसा लग रहा है जो ब्लॉकेजेस है वो जल्द ही खत्म खत्म हो जाए आप में से बहुत लोग के लिए शायद आप वो विश कर रहे हो लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका एक टाइमिंग है ओके okay? उसका एक टाइमिंग है एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू एज इमोशंस को मास्टर करना ही आपका एक की है ओके इट्स लाइक की टूवर्ड सक्सेस ओके एंड फिनेंशियल अबांडेंस क्योंकि uh, you know, uh, आपका जो फिनेंशियल फ्लो है वो आपके इमोशंस के साथ हाईली कनेक्टेड होता है ये हम सब के लिए यू नो दिस इज लाइक एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस ओके यानी कि अगर आप इमोशनली बहुत ही लो फील कर रहे हो अगर आप यू नो यू आर एन एंटरप्रेन्योर या फिर आपका कोई बिजनेस है फेक्ट योर फाइनेंसेस ओके सो आमे से बहुत लोगों के लिए आई एम सींग आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है इट रियली इन्फेंसेस योर फाइनेंसेस ओके जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुंस करता है सो so, आमे से बहुत लोगों के लिए द कीज बेसिकली आपको अपना इमोशंस जो है उसको मास्टर करना है इन सम वे क्योंकि कभी कभार ओवरवेल्मिंग इमोशंस से आप लोग डील करते हो शायद जहां पे बहुत मूडी हो जाते हो आप अगर हैप्पी है तो यू you नो know, अगर हैप्पीनेस है तो बहुत हैप्पीनेस है अगर सैडनेस है तो बहुत सैडनेस है अगर गुस्सा है तो बहुत गुस्सा है सो इंटेंस इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एंड कभी कभार ये आपके एक्शंस के थ्रू से उभर के बाहर के निक, बाहर निकल के आता है शायद सो so, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी इमोशंस को पहले मास्टर कीजिए ओके अपने इमोशंस को और ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप ऐसे फील करते हो कभी कभी ओके okay, आप में से बहुत लोगों के लिए मून साइकिल जो है ओके okay, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शायद ओके दैट्स वन थिंग आई एम सींग सो दिस इज द की टुवर्ड्स सक्सेस आप में से बहुत लोगों के लिए ओके okay, जो आपका जो इमोशन को जितना आप मास्टर करेंगे उतना ज्यादा आपके करियर में आपके रिलेशनशिप में आपके कनेक्शंस में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा ओके सो दैट्स व्हाट यू आर नॉट सींग राइट नाउ एंड वही मैसेज आपको दिया जा रहा है सो so लेट्स हम लोग एनिमल टेरो कार्ड से आपके लिए चार कार्ड निकालेंगे ओके वट इज ग्रुप नंबर वन नॉट नंबर इसमर नॉट नाउ फट इज ग्रुप नंबर वन ऑट सी इतना ओके ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट ओके हियर वी गो नाइन ऑफ पेंडिकल्स सो या फाइनेंस को लेके बहुत टेंशन है शायद जिसकी वजह से आप इतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे दैट मे बी वन थिंग लेट्स सी यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स ओके आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है एज ऑफ वंस ओके या आपका नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंडिकल्स या एंड द लास्ट इज एट ऑफ वंस या सही टाइम में सही चीजें हो रहा है आपके लिए ओके सो इट्स डेफिनेटली आई एम सींग की फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अ वेरी प्रेशियस यू नो हाउ टू सेट मैरिज ओके क्योंकि हमें से बहुत लोगों के लिए आपका मैरिज uh, जो है एंड आप जिनसे डिल करो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ओके सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज लाइक अ डिवाइन यूनियन ये आपका एक यू नो सोल पर्पज का एक पार्ट है सो so यहाँ पे वॉट यू आर नॉट सींग राइट नाउ इज़ दिस इज अ वेरी प्रेशियस फैमिली डेट यू हैव या फिर एक पार्टनरशिप हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जो बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए ओके okay? एंड अगर आप अभी भी यू नो हायर लेवल क्योंकि आई एम डेफिटली सींग फॉर ग्रुप नंबर वन अगर आपने ग्रुप नंबर वन चूज किया है डेन डेफिनि आपके लाइफ में कोई ना कोई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में ओके एंड इवेंचुअली जाके आप इनसे शादी करने वाले हो सो तो ये वैसा वाइफ मिल रहा है जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ओके okay? ये टेम्पोरिरी नहीं है सो so आप में से बहुत लोग के लिए तो आप ऑलरेडी मेरिड हो एंड यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपका यू नो सोल मेट है ओके एंड दिस पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पजस ओके आपके सोल पर्पज़ का एक पार्ट है ये इंसान सो आई एम डेफिनेटली सिंग आप जितना अपने स्ट्रेंथ या फिर अपनी इमोशंस को और ज्यादा मास्टर करेंगे आई एम सिंग कि उतना ज्यादा ब्रेंड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगा ओके पैशनट ब्रेंड न्यू बिगिनिंग क्रिएटिविटी के केस में भी होगा आपने से बहुत लोगों के लिए लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक मुझे करेज दिखाई पड़ रहा है ओके okay? uh, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगा आपके अंदर कुछ नया बिगिनिंग लाने के लिए सो देअर्स दिस इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक मास्टरिंग योर इमोशन हमें से बहुत लोगों के लिए आपको अपना इमोशंस जो है उसको मास्टर करना है ओके एंड ऑल्सो आई एम सिंह कि यहाँ पे अपने थर्ड आई को क्लींस करना है ओके okay? हमें से बहुत लोगों के लिए आपको अपना थर्ड आई जो है उसको क्लींस करना है क्योंकि शायद यू नो आप रियलिटी एंड एल्यूजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर वन एंड दैट्स वॉट यू आर नॉट सींग राइट नाउ एंड ऑल्सो आई एम सींगेर अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू नो ब्रैंड न्यू बिगिनिंग जो स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में ओके सो देर पास्ट में शायद आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे इन समय यहाँ पे मुझे डिफेंसिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए या ये एक ऐसा भी वाइप हो सकता है जहाँ पे फाइनेंसेस थोड़ा सा टाइट uh, था एक टाइम के लिए एक टाइम पीरियड के लिए लेकिन आई एम सीइंग कि इमोशनल स्टेबिलिटी उसके बाद भी ओके ऐसी सिचुएशन के बाद भी इमोशनल स्टेबिलिटी लाना एक पोर्टल खोल देगा आपके लिए वो है You know, finances को बुलाने में आम में से बहुत लोगों के लिए क्यूँ की आई एम सींगे शायद आप एंटरप्रेन हो या फिर कुछ ना कुछ बिजनेस है जो आपको स्टार्ट करने का मन है ओके okay, कुछ न कुछ बिजनेस आइडिया मुझे दिखाई पड़ रहा है विद ऑफ वस ओके बट आम में से बहुत लोग के लिए इट्स जस्ट प्योर इमोशन या फिर आप बोल सकते हो कि री इग्नाइटिंग ऑफ योर पैशन ओके ये जो पैशन है उसको री इग्नाइट करना ओके okay, एक ऐसे यू नो कनेक्शन थोड़ा सा ब्लेंड हो गया था शायद पास्ट में सो so यहाँ पे इमोशंस जो है वो री इमर्ज हो रहा है आपने से बहुत लोगों के लिए एंड दैट्स वॉट यू आर नॉट राइट नाउ ओके यहाँ पे अपने आप को बंद मत कर लीजिए या फिर ज्यादा क्लोज ऑफ मत रहिए यहाँ पे शेयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक पार्टनरशिप में हो आप में से बहुत लोगों के लिए वही मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे एंड दिस इज द की टूवर्ड्स अ ग्रेटर सक्सेस ओके ये जो है ये कनेक्शन आप में से बहुत लोगों के लिए शायद uh, या yeah, आप इनको आप जिनसे डील कर रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है आप लोगों के बीच ओके okay? बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी थिंग इज इन परफेक्ट बैलेंस राइट नाउ ओके वही आपको समझना है एक्चुअली एंड वही आप देख नहीं पा रहे हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपने हार्ट के आसपास अपने बाउंड्री बना के रखा हुआ है उसको आप खोल सकते हो फाइनली ओके सो यहाँ पे वनरेबिलिटी की भी जरूरत है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए ओके एंड आई एम सिंक इन समे अदर ये फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में बहुत लाएगा ओके फॉरवर्ड मूवमेंट एंड ये सक्सेस की तरफ ही आपको ले जाएगा एक्चुअली ये इमोशनल सक्सेस भी आप बोल सकते हो जहां पे इमोशनली आप स्टेबल फील करेंगे पर आप में से बहुत लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकता है ओके सो इट्स अबाउट शेयरिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर थाट्स इन सम वे एज वेल बट एट द सेम टाइम आपको अपना जो इमोशंस है वो बैलेंस आउट करना है एंड समझना है कि ये आपका लाइफ पर्पज का एक पार्ट है आप में से बहुत लोगों के लिए आप आ, सा आपके सामने जो है इनको आप अच्छे से देख नहीं पा रहे ओके okay? क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्रेसियस है फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके आई एम सींग दिस पर्सन लवस यू अलॉट ओके मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से सो so, लेट्स हम लोग सोल्स शो जर्नी लेसन कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके सो वाट इज ग्रुप नंबर वन नॉट सेम राइट नाव वट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सेम राइट नाओ वट इज़ ग्रुप नंबर वन नॉट सेम राइट नाओ ओके वन कार्ड प्लीज वे गो चेंज है ओके आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट सो टाइम आ गया है कि आप चेंज लाए या फिर शिफ्ट लाए ओके एट दिस करेंट मोमेंट सो यहां पे ग्रीफ है आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट ओके सो हमें से बहुत लोगों के लिए अगर आपने कुछ ना कुछ लूज किया है इन योर रिसेंट पास्ट देन डेफिनेटली आई एम सिंग इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप के लाइफ में अभी भी कुछ है जिसको आपको अप्रिशिएट करना है अगर आपने कुछ लूज किया है देन उसके बदले में कुछ ना कुछ तो है आपके लाइफ में जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो सकती हो ओके सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर यहाँ ग्रीफ के एनर्जी में आप जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपके आसपास जो यू नो ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है ओके okay, आप वो नहीं देख पाएंगे सो दैट्स वन थिंग आई एम सीन सो लेट्स डिनाइल है यहाँ पे I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. So definitely यहाँ पर बहुत डर है किसी चीज़ को लेकर and also your angels and guides are saying कि अभी time आ गया है कि आप और ज़्यादा aware हो जाए जिस चीज़ को लेकर आप denial में बहुत time से हो शायद okay so for some of you ये कुछ ना कुछ emotional loss हो सकता है जो past में you know आपने एक्सपीरियंस किया लेकिन इट्स स्टिल हियर ओके यहाँ पे लिंगरिंग इमोशन अभी भी है सो आई एम सींग कि डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को वो एस्पेक्ट जो है आपका वो हील करना है क्योंकि अभी भी आपके आसपास इतना ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स है इतना ब्यूटी है जो आप देख नहीं पा रहे हो शायद ओके आई एम सीइंग अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ और ग्रुप नंबर वन आई डोंट नो व्हाई बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आप में से बहुत लोगों के लिए ये uh, आई एम मोस्टली सींग इट्स लव ओके यहाँ पे कुछ ब्रैंड न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है वेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट अगर आप चाहें तो ओके okay? ये किसी किसी के लिए होगा अगर आप ये उन लोगों के लिए होगा जिनको ऑलरेडी यू नो इमोशनली गीलिंग आ रहा है कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है नया ब्रैंड न्यू जर्नी स्टार्ट करना है वेन इट कम्स टू माई करियर ओके जो और ज्यादा फाइनेंस लाएगा मेरे लाइफ लाएग में सो so, वैसा एनर्जी ओके okay? सो दैट मे बी वन थिंग सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डर है उसको आपको अवेयरनेस से रिप्लेस करना है ओके okay? क्योंकि आप में से बहुत लोग डिनाइल में हो शायद कि आपके अंदर एक ऐसा डर है ओके okay? एंड uh, जब तक आप उसको फेस नहीं करते हो तब तक आप उसको हील नहीं कर पाएंगे सो so यहाँ पे अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के इमोशंस को लेकर कि कहाँ से ये इमोशन क्रिएट हो रहा है एंड कहाँ से ये सब इमोशंस आ रहे हैं इसको कैसे हील करे ओके सो ये सोर्स जो है जो रूट कोस है उसको आपको ढूंढ निकालना है आप में से बहुत लोगों के लिए वही आपके लिए इमोशनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ओके okay? आप अनस्टेबल फील कर रहे हो ड्यू टू सम काइंड ऑफ पास्ट लिंगरिंग हर्ट इमोशन ओके हर्ट या फिर डिसअपइंटमेंट ओके सो वैसा एनर्जी मिला है सो लेट्स वेजम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए

एंड वही आप में से बहुत लोगों के लिए शायद विद अ माउंटेन ये ऑब्स्टिकल जो है वो आपके अंदर ही है ओके डीप विद इन ये आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में ही, ही है आप में से बहुत लोगों के लिए तो आप एक्चुअली अलाइनमेंट में आ रहे हो जो शायद आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर देयर दिस ईगो ओके थोड़ा सा ईगो जो है वो uh, किसी पास्ट सिमिलर सिचुएशन को होल्ड ऑन करने का मन जा रहा है ओके आपकी ईगो वेन इट कम्स टू योर ईगो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस कंट्रोल को आपको छोड़ना है ओके okay? क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप ये जो कंट्रोल है आप छोड़ेंगे यानी कि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो रहा है देन इट मीन्स कि ये डिवाइन ऑर्डर में चल रहा है ओके okay? एंड जो भी होता है वो आपके भलाई के लिए ही होता है चाहे यू you नो know, हम लोग जो भी सोचे यू you नो know, जब हम लोग एक सिचुएशन को देखते हैं ना हम लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा यू uh, नो you know, ये सब कुछ मेरे uh, हाथ से बाहर निकल रहा है दैट काइंड ऑफ एनर्जी बट एक्चुअली इट्स द यूनिवर्स जो मतलब सब कुछ आपके लिए ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहा है ओके सो लेट इट फ्लो यहाँ पे बहुत बड़ा सा चेंज आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस है यहाँ पे ओके पॉन्डर दिस क्वेश्चन हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर प्रेयर्स एंड गाइडेंस टू कम टू यू Literally in a vision are you someone who says that you're waiting for prayers to be answered because you want guidance that includes a safety safety net? okay I'm so sorry safety net safety net. okay your goal is to own up to your spiritual insecurities and lack of faith so a lack of faith hai, spiritual uh, realm mein, okay and as well as your um, higher power of faith you know, उनको लेके फेथ की कमी है आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वाई आई एम सींग आपको लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एंड आप में से बहुत लोगों को तो शायद आप स्पिरिचुअल uh, रिल्म को ही क्वेश्चन करो डिवाइन पावर को ही क्वेश्चन करो देट मे बी वन थिंग ओके सो यहाँ पे चेंज डिरेक्शन जो रिवर्स्ट आया है यहाँ पे लिखा हुआ है नो देट हिलिंग समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ विलिंगनेस And ability to change direction. Many people postpone uh, doing so due to fear or laziness and then they wonder why they are not happy and healthy. Uh, your goal is to make one solid, effective, healing choice by the end of the day that can positively change the direction of your life. So, as I said. आम में से बहुत लोग ये सिंसियर रिवर्स आया आई एम सींग की यहाँ पे डिरेक्शन जो है आपके लाइफ में वो चेंज हो रहा है एंड आम में से बहुत लोग के लिए आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे उतना ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट होगा सो ये एक बहुत ही सिंपल एक चीज़ है ओके okay, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्स के फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा सकते अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा यू नो देस दिस हैपनिंग जो हमारे कंट्रोल के बाहर है इट मींस आपको एक्चुअली डिवाइन यू नो गाइड कर रहा है आपके सही डिरेक्शन की तरफ ओके दैट्स वाट इज हैपनिंग एक्चुअली लेकिन दिखने में बहुत ही यू you नो know, ये उल्टा पुल्टा लग सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर यू टू मूव टूवर्ड्स द राइट डरेक्शन जो आप शायद रिजिस्ट कर रहे हो आप में से बहुत लोग उसको डिनाई कर रहे हो उस चेंज को डिनाई कर रहे हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके uh, साथ है जो इंसान आपके साथ है दिस इज द की टू योर सक्सेस ओके इंसान आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा ओके okay? आप जितना इमोशनल स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में लाएंगे क्योंकि आई एम सींग में से बहुत लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है ओके इट्स वेरी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आई एम डेफिनली सींग अ पार्टनर आउट ही आपका पार्टनर जो है ये इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है फॉर श्योर आप में से बहुत लोगों के लिए आप कन्फ्यूज फील कर रहे हो ओके okay, आप डाउट कर रहे हो आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो आपको लग आपको लग रहा है कि गलत डिसीजन ले लिया आप में से किसी से के लिए सो so, ये सब जो है ये एक्चुअली आपका यू नो ईगो है ओके okay, जो बोल रहा है एक्चुअली जो फियर बेस्ड परस्पेक्टिव होता है ना वो आपको बोल रहा है ये ओके सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इल्यूजन क्या है एंड रियलिटी क्या है ओके देर इज दिस मासिव चेंज एंड एज वेल एज बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है ओके जस्ट लिसन टू इट ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सींग से बहुत लोगों के लिए बहुत गाइडेंस आपको दिया जा रहा है शायद लेकिन आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टबर्नस है ओके okay, चेंजेस को लेके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर वन अब में से बहुत लोग डेफिनेटली लियो uh, हो सकते हो कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो ओके एरिस सेजिटेरियस फॉर सम ऑफ यू ओके वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहां से सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर है ये बैर चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके सो विद बैर वट यू आर नॉट सींग राइट नाउ यहाँ पे इतना प्रोटेक्शन है आपको लेके ओके okay? बहुत प्रोटेक्शन है में से बहुत लोगों के लिए एक फ्रेंड है या फिर ये सिबलिंग भी हो सकता है में से बहुत लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में एंड दिस इज अ वेरी लविंग कनेक्शन ओके ये शायद ब्रैंड न्यू एक फ्रेंडशिप भी हो सकता है में से किसी किसी के लिए ओके एंड आई एम सिंह कि ये डिवाइनली गाइडेड है फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके ये डिवाइनली गाइडेड है यहाँ पे बहुत ज्यादा मदरली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओके सो डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्शन है में से बहुत लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल uh, गाइड से जो बहुत ही मदरली है बहुत ही प्रोटेक्टिव है आपको लेके ओके एंड आई एम सिंह कि आपको डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ लिया जा, ले जाया जा रहा है एंड ऐसे कनेक्शंस की तरफ जहाँ okay? so पे इक्वल गिव एंड टेक है ओके सो जहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहां पे आप जितना दे रहे हो इन लोगों को उतना आपको वापस मिलेगा सो so ये वैसा नहीं है जहाँ पे ये लोग सिर्फ आपसे लेंगे एनर्जेटिकली सिर्फ लेंगे ओके okay? वैसा नहीं है सो वेरी बैलेंस्ड कनेक्शन की तरफ आपको आपको ले जाया जा रहा है ओके सो तेरह ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग चार कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके सो लेट्स सी ओके फॉर ग्रुप नंबर टू व्हाट इज ग्रुप नंबर टू नॉट सीइंग राइट नाउ और इज ग्रुप नंबर टू नॉट सीइंग राइट नाउ प्लीज ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप नंबर टू देख नहीं पा रहे हैं एट दस करेंट मोमेंट ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप नंबर टू देख नहीं पा रहे हैं एट अ दिस करेंट मोमेंट हम खड़े टाइम प्लीज ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप नंबर टू एट दिस करेंट मोमेंट देख नहीं पा रहे ओके सो हियर वी गो टावर है एट द बॉटम ऑफ द डेक ओके सो लेट्स सी Okay, 10 of ones in reverse. Aya, aap liye. Next, here, 5 of swords in reverse. Oh my god. Okay. But it's a good sign. Ace of pentacles. Okay. And last here, chariot. Okay. So, out here, what I'm getting is that what are you not seeing right now? Yeah. जो आप बैगेजेस कैरी कर रहे हो ना आप में से बहुत लोग वो आपके लिए है ही नहीं ओके अगर कोई आपके लाइफ में कंफ्लिक्ट लाने की कोशिश कर रहा है वो आपके लिए है ही नहीं ओके यहाँ पे अगर कंपटीशन भी आपको लग रहा है कि कंपटीशन लोग आपसे कम्पीट कर रहे हैं या फिर देयर सम काइंड ऑफ कंपटीशन वो रास्ता आपके लिए नहीं है ओके जहाँ पे आप ऐसा फील करें कि यू नो यू आर इन सम काइंड ऑफ कंपटीशन या फिर कोई अगर आपके लाइफ में कंफ्लिक्ट लाने की भी कोशिश कर रहा है इट्स नॉट फॉर यू ओके लाइक इट्स एज क्लियर एज अ डे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स नॉट फॉर यू ओके साइड काटिए एंड कहीं और जाइए ओके जिस डशन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है उस डरक्शन जाइए क्योंकि ये जो एनर्जी है वो आपके लिए नहीं है एंड में से बहुत लोगों के लिए पर हैप्स आप शायद ये बैगेज ऑलरेडी ड्रॉप कर रहे हो जो आपको बोला जा रहा है शायद आप वो सुन रहे हो मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से ओके okay? जो कुछ भी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है में से बहुत लोग उस चीज को देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिट uh, गाइड है आपके आसपास जो एक बहुत ही मदरली एनर्जी को डिपिक कर रहा है यहाँ पे ओके एंड आई एम सिंह कि ये स्पिरिट गाइड आपको बहुत ही पास से गाइडेंस uh, दे रहा है ओके इन अ वे कि आप अपने रास्ते से ना भटके ओके सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग क्योंकि यू आर मैन फॉर समथिंग बिगर एंड लार्जर यहाँ पे पिटी कन्फ्लिक्ट पेटी बैगेजेस आपके लिए नहीं है कैरी करने के लिए ओके दिस इज नॉट योर बैगेज लाइक एज क्लियर एज अ डे अगर कोई आपके लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश कर रहा है अपना बैगेज आपके ऊपर ठोकने की कोशिश कर रहा है आप में से बहुत लोगों को यह, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये बैगेज आपके लिए नहीं है बिल्कुल नहीं है आपके लिए ओके दिस इज़ नॉट फॉर यू टू कैरी बल्कि आपके लिए कुछ ब्रैंड न्यू बीनिंग है यहाँ पे करियर को लेके ओके जेफली फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर वाइब मिला मुझे यहाँ पे बट एट द सेम टाइम एट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड सॉलिड फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आप जिधर जा रहे हो ओके okay? ये सबको छोड़ के अगर आपने निगेटिविटी ऑलरेडी देख लिया देन इट्स टाइम कि आपको टाटा बाई बाय बाय करके आगे बढ़ना है क्योंकि अभी से जो आप बिल करेंगे वो बहुत ही प्योर सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा एंड से बहुत लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप भी आपके लाइफ में आ सकता है या फिर ये सिबलिंग को भी डिपिक कर सकता है आम में से किसी से के लिए ओके आई एम सींग ये बहुत ही फेमिलिन एनर्जी है जो भी है बट दिस इज लाइक डिवाइनली गाइडेड ये इंसान लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए है आपके लाइफ में यानी कि बहुत टाइम तक रहेगा आपके लाइफ में ये इंसान आपको एनकरेज करेगा सपोर्ट करेगा ओके ऑन योर जर्नी सो मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज डेफिनेटली एज वेल अ स्पिरिट गाइड ओके जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो आपको आपके रास्ते को बहुत ही पास से गाइड कर रहा है ओके okay? बिल्कुल आपके पास आ, आस पास ही है ये स्पिरिट गाइड्स एंड आई एम सिंग दैट दिस स्पिरिट गाइड डजेंट लीव योर वे ओके बहुत गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यहाँ पे सो इज दिस ब्रैंड न्यू बिगिनिंग वाओ ओके ब्रैंड न्यू बिगिनिंग फाइनेंसेस को लेके ओवरऑल आपका जो स्टेबिलिटी है उसको लेके अभी से आप जो भी बिल करेंगे आप सॉलिड फाउंडेशन में बिल करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी नेगेटिविटी देख लिया एंड अभी आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए ओके okay? क्या चाहिए किसी कनेक्शन से क्या चाहिए किसी करियर से सो आई एम डेफिनेटली सिंग अभी जिस डायरेक्शन आप जा रहे हो वो बहुत ही परमानेंट होगा आपके लिए ओके सो विद चेरियत आई एम सिंग आप अपने लाइफ पर्पज के साथ अलाइनमेंट में हो ओके okay? जो भी इल्यूजन था वो ऑलरेडी इट्स फॉलोइंग अपार्ट सब कुछ गिर रहा है अगर आप बहुत ज्यादा इल्यूजनरी लोगों के आस पास थे आई एम सिंग वो गिर रहा है अभी एंड अभी टाइम आ गया कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में ओके सो देयर वॉज दिस टावर मोमेंट एंड अभी आपको सही डरेक्शन की तरफ ले जा रहा है uh, okay? यह जा okay? ले जाया जा रहा है आफ्टर दिस टावर ओके ये टावर ये कुछ गिरने के बाद कुछ खत्म होने के बाद कुछ जल के राख होने के बाद आपको अभी सही डरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है ओके सो डेफिनेटली यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर लाइफ पर्पस हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ रिसटलिंग भी हो सकता है एंड आई एम सिंह हमें से बहुत लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है शायद एट दिस करेंट मोमेंट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वेरी सुन आपको ये दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रहा है ओके एंड आई एम सिंह ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होगा आपके लाइफ के लिए एंड विथ एवर डिरेक्शन यू आर हेडिंग टूवर्ड ब्लीस ओके देअर्स लाइक ब्लीस एवरीवेयर जॉय मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट अलाइनमेंट में होगा यहाँ डिटर्मिनेशन होगा आपके लाइफ में कि अच्छा मुझे ये चाहिए ओके okay? सो so ये एक स्ट्रेंथ है डिटर्मिनेशन है विल पावर है कि अच्छा मुझे जो चाहिए आई एल बी एबल टू बिल्ड दिस ओके ये मुझे वैसा भी कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई पड़ रहा है सो दिस इज लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग ओके सो ये काम के लिए शायद हमें से बहुत लोगों को ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है री भी करना पड़ सकता है वो भी वाइट मिल रहा है मुझे यहाँ से बट लेट्स सी और यू नो लेट्स डिग्री डीपर सो एनिमल तेरो कार्ड से हम लोग चार कार्ड निकालेंगे of so, yeah, okay? आपके लिए सो वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट राइट नाउ वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट राइट नाउ ओके वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट सी राइट नाउ वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट राइट नाउ ओके एज ऑफ वंस है एट द बन ऑफ द डेक्सो या ब्रांड न्यू बिगिनिंग ओके जो वेट कर रहा है आपके लिए सो लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स जो निकला है ओके या नेक्स्ट कार्ड है आपका सेवन ऑफ वंस या आपका नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स ओके एंड लास्ट इज एट ऑफ वंस यू फॉरवर्ड मूवमेंट ओके यस 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 डेफिनेटली एस आई से इट ओके आपको अभी सॉलिड कनेक्शंस की तरफ पुल किया जा रहा है ओके कनेक्शन है ऐसा कनेक्शंस जो बहुत ही लॉयल है बहुत ही ट्रूथफुल है ये सोलफुल यू नो सोल लेवल में आपको फुलफिल करेगा ओके इट्स नॉट जस्ट सुपरफिशियल काइंड ऑफ थिंग ये बहुत ही डीपर कनेक्शंस आप बना पाएंगे वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से सो विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ वन्स इन रिवर्स आई एम डेफिनेटली सीइंग पास्ट का कुछ ना कुछ बैगेज हमें से बहुत लोग कैरी कर रहे थे बहुत टाइम से ये पास्ट के लोग हो सकते हैं चाइल्डहुड से कनेक्टेड कोई लोग हो सकते हैं जो बहुत टाइम से शायद आपके लिए कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था इन सम वे एंड आप लोग को समझ में आ गया कि इट्स टाइम टू मूव ऑन ओके ये आपके लिए नहीं है शायद आपको ये समझ में आ so definitely with seven of ones, रहा है सो डेफिनेटली डेफिने सेवन ऑफ वंस यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव आपको रहना पड़ रहा है शायद ओके एट दिस करेंट मोमेंट एज वेल आपको शायद बहुत ही डिफेंसिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ रहा है शायद ओके okay? अपने लाइफ में जहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स के लिए अपने यू you नो know, आपको जैसा लाइफ चाहिए उसके लिए शायद थोड़ा सा डिफेंसिव बनना पड़ रहा है ताकि कोई आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट ना करे या फिर ड्रेन ना करे शायद आप में से बहुत लोग एनर्जी वेम्पायर लोगों से यू नो एनर्जी वेम्पायर से डील कर रहे ओके okay? ये वैसा वाइप है जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत ड्रेन किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस कंफ्लिक्ट के थ्रू से अननेसेसरी ड्रामा के थ्रू से छोटी सी छोटी आर्ग्यूमेंट लाइक पिटी आर्ग्यूमेंट ओके मुझे वैसा वाइप मिला है नाम में से बहुत लोग अपने आप को आप सीन रखने के लिए या फिर अपनी यू नो मेंटल हेल्थ के लिए आई एम सिंह आप में से बहुत लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे थे बहुत टाइम से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आप सब कुछ ड्रॉप करके अभी आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो यहाँ पे प्योर कनेक्शन आप बनाएंगे विद थ्री ऑफ कप्स प्योर कनेक्शन सोल ट्राइब आप में से बहुत लोग अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले एंड ये शायद आपके वर्क प्लेस से मिलेंगे ओके जहां पे आप काम करेंगे उसके थ्रू से मिलेंगे शायद ये लोग या फिर जो आप लोग का गोल होगा कॉमन गोल जो है वो बहुत ही सेम होगा यानी कि अच्छा ऐसा फाउंडेशन बिल्ड करना है एंड उन लोगों का भी जो गोल है अपने लाइफ को लेके वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड यहाँ पे बहुत ही हेल्दी कनेक्शन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं है सो आई एम डेफिनी सींग यू नो कि आपको क्या चाहिए एंड आई एम सींग आप में से बहुत लोग उसी डिरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो सो so, यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है विद द एड ऑफ वंस अगर बहुत टाइम से डिले हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा ओके okay? अगर आप वो देख नहीं पा रहे हो अभी तो ओके वेरी वेरी फॉरवर्ड मूवमेंट एंड आई एम सींग आप आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया अगर आपने कुछ ना कुछ ड्रॉप कर दिया तो ओके okay? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है ये जो कन्फ्लिक्ट है ये आपके लिए नहीं है बिकॉज दिस इज समन एल्स बैगेज ये किसी और का बैगेज है ओके okay, जो शायद आपके लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे अपना बैगेज बट इट्स नॉट फॉर यू टू केयर ये आपके लिए नहीं है ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग सो लेट्स सी हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए सो वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट राइट नाउ प्लीज़ वट इज ग्रुप नंबर टू नॉट इज ग्रुप नंबर टू नॉट हियर कार ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप नंबर टू नहीं देख पा रहे हैं ओके okay, ऐसी कौन सी चीज़ है ओके चेंज डिनाइल ओके आई एक्नॉलेज माय फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस ओके सो या डेफिनेटली देयर दिस अगर आप डिनाई कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये ड्रॉप करने के बाद आपके लाइफ में न्यू बीनिंग आएगा कि नहीं अगर उसका डर है दैन अंडरस्टैंड ओके यू आर अपॉर समथिंग रियली सॉलिड आपने से बहुत लोगों के लिए आप सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करो ओवरऑल कनेक्शन को लेके करियर को लेके ओके okay? जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बिल्कुल आपके लिए सही है एंड वही आपको बोला जा रहा है so, सो यहाँ पे विद हेल्थ आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल ओके okay? चेंज है एंड अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट ओके सो विद द हेल्थ आई एम डेफले सींग यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ओके स्पिरिचुअल हेल्थ एवरीथिंग इज वैल्यूएबल एंड अगर आप उसको सिक्योर रखने के लिए कुछ करते हो देन इट्स नॉट रॉन्ग ओके वो गलत नहीं है सो so यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए क्योंकि आप में से बहुत लोग के लिए यहाँ बहुत ड्रेनेज हो रहा था शायद आपके एनर्जी में क्योंकि यू uh, नो you know, uh, अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे जहाँ पे बहुत इन लोगों को बहुत कन्फ्लिक्ट पसंद है गॉसिप पसंद है या फिर यू you नो know, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी पसंद है एंड आप बिल्कुल अलग हो एंड आप में से बहुत लोग शायद आई एम सिंग कि आपका एनर्जी ड्रेन इजीली होता है सो so पर आप बहुत ही ए, ए, एक बहुत ही सेंसिटिव सोल हो आप में से बहुत लोग सो यू मे बी एन एम्पायर सो आई एम सिंग कि यहाँ पर बहुत ड्रेनेज होता है आपका एनर्जी ओके सो आई एम सिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ डिसीजन लिया जहां पर आप ये यू नो ये बैटल चूज करना नहीं चाहते हो एंड आप इसको गिराना चाहते हो दैन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर योर हेल्थ ओके योर मेंटल ओवरऑल मेंटल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ ओके उसको प्रायोरिटाइज कीजिए डेफिनेटली क्योंकि उसी के थ्रू से क्रिएशन जो है वो पॉसिबल होता है आपके लाइफ में ओके सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू सो आपका हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, यहाँ पे चेंज एज आई सेट देर ऑस दिस ग्रेटर चेंज जो हो रहा है आपके लाइफ में ग्रेटर शिफ्ट ग्रेटर चेंज बहुत कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में सो so, या yeah, डेफिनेटली ओके थिंग्सिंग सो लेट इट बी क्योंकि यू नो आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप मूवमेंट नहीं लाएंगे तो uh, वो सेम चीज रिपीट होता है आपने से बहुत लोग के लिए। जहां पर सेम चीज रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है अननेसेसरी बैगेज आप कैरी कर रहे हो लोगों का यू you नो know, अनेसरी ड्रामा में आप भी पार ले रहे हो This is not for you. Okay. That's the vibe I'm getting. So, let's see. From wisdom for healing cards. We will two cards you. So. What is group number, not, uh, group number two not seeing right now? Okay. Yeah. What is group number two not seeing right now? One more card. Okay. One more card please. nikla hai. Notice that special person for your here. What is group number two not seeing right now? Okay. Here we go. So.

कि आपको अपना फिजिकल हेल्थ जो है उसका ख्याल रखना है ओके सो बी प्रोएक्टिव है यहाँ पे रिकॉग्नाइज वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ एंड सी हाउ मच इट डिसम्पावर्स यू दैन आइडेंटिफाई वन स्मॉल एक्शन यू कैन टेक टू रिलीज द दैट इनसिक्योर फीलिंग योर गोल इज टू ऑब्जर्व वेदर योर प्रोएक्टिव और पैसिव सिंस ही रिक्वायर्स प्रोएक्टिव एनर्जी सो आप में से बहुत लोगों के लिए uh, देअर देयर इज नीड फॉर यू टू ड्रॉप समथिंग ओके अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लेकिन आप में से बहुत लोगों को आप ऑलरेडी अवेयर हो, हो रहे हो उस चीज़ को लेकर एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उसको ले कर प्रोएक्टिव बनना है क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करने से हीलिंग आएगा अभी बस टाइम आ गया है कि, कि आप उस चीज़ को ले कर एक्शन लेना स्टार्ट करें ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ रेगुलर बेसिस ओके एंड तभी ये जो हीलिंग है ओके okay, जिसका होना इतना इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट होगा एंड ऑल्सो आई एम सींग कि यहाँ पे अगर कुछ रिलीज uh, करने से आप लोग डर रहे हो देन डू नॉट फियर इट ओके क्योंकि यही गाइडेंस है आपके लिए क्योंकि ये शायद आपके हेल्थ को ओवरऑल बहुत ज्यादा डिटेरेट कर रहा है इन अ बिग वे एंड यहाँ पे वही गाइडेंस दिया जा रहा है कि यू नो लीव इट ओके उसको ड्रॉप कीजिए सो बिकम बेटर ओके Discover one thing that would make you better and more empowered at what you do and who you are and make it a part of your routine. If this is difficult, identify why becoming better is something you wouldn't want to do. Your goal is to recognize how and why you sabotage your empowerment. Okay? So definitely. I'm शायद यू uh, नो you know, अगर कोई कन्फ्लिक्ट लेके आ जाता है तो आ, आ, आप भी रेडी हो जाते हो उस कन्फ्लिक्ट में घुसने के लिए ये पास्ट में शायद हो रहा था हमें से बहुत लोगों के लिए सो गाइडेंस इज़ टू बिकम बेटर ओके क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सा चीज़ है जो आपको सबोटेज कर रहा है आपके हैप्पीनेस से आपके सक्सेस से ओके okay, आपका जो एक्चुअल फ्लो है उससे आपको हटा देता है ओके okay, आपको ऑलरेडी मालूम है कौन सा एनर्जी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है सो इट्स टाइम कि उसको आप ड्रॉप करें पूरी तरह से हील होने के लिए ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये बैगेज आप खुद कैरी कर रहे थे शायद कन्फ्लिक्ट जो है आप खुद आप में से बहुत लोग उस कन्फ्लिक्ट में आप घुस रहे थे डेली दैट मे बी वन थिंग ओके इनिशिएट भी कर रहे थे शायद आप पास में लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम ओके इट्स टाइम कि आप अपने भलाई के बारे में सोचें क्योंकि आप जितना कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहेंगे जितना गुस्सा करेंगे जितना यू नो आर्ग्यूमेंटेटिव बनेंगे उतना ज़्यादा आपका एनर्जी जाएगा उतना ज़्यादा आपका जो यू नो क्रिएटिव एबिलिटी है उसमें ब्लॉकेजेस आता है एंड उतना ज़्यादा जो यू नो मैनीफेस्टेशन होता है हमारे लाइफ में जो हम चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए एक ड्रीम लाइफ जो होता है उसको क्रिएट करने में ब्लॉकेज क्रिएट होता है ओके सो दैट्स देट्स आई एम सिंग सो वही मिल रहा हैं मुझे फॉर ग्रुप नंबर टू ओके सो अगर यहाँ पे कुछ एडिक्शन है देन लेट इट गो हमें से बहुत लोग तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग अवेयर ओके यू आर लाइक आप अवेयर हो रहे हो ऑलरेडी अच्छा ये चीज है जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है इट्स टाइम टू लेट इट गो सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी प्रोएक्टिव उसको लेकर प्रोएक्टिव बनी है सो वट आई एम सींग फ्राम हियर इज दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप वर्गो हो सकते हो कैंसर हो सकते हो ओके okay. स्कॉर्पियो है यहाँ पे ओके एरिस फॉर सम ऑफ यू या वही मिल रहा मुझे यहाँ से

इट्स सम काइंड ऑफ ऑफ़र ये स्पिरिचुअल ऑफ़र भी हो सकता है इन द सेंस कि जहाँ पे यू नो स्पिरिचुअल राम आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहा है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लाएगा एंड फुलफिलमेंट लाएगा एना में से बहुत लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो शायद देर में भी वन थिंग ओके सो ये बिल्कुल आपके करीब है ये जो भी ऑफर है सलेट so, से हम लोग टेरो ऑफ द गोल्डन विल से चार कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके सो व्हाट इज ग्रुप नंबर थ्री नॉट सीइंग राइट नाउ व्हाट इज ग्रुप नंबर थ्री नॉट सीइंग राइट नाउ व्हाट इज ग्रुप नंबर थ्री नॉट सीइंग राइट नाउ ओके व्हाट इज ग्रुप नंबर थ्री पीपल हु हैव चूजन टू कम व्हाट आर दे नॉट सीइंग राइट नाउ ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रुप नंबर थ्री नहीं देख पा रहे हैं ओके okay? कौन सी चीज है जो ग्रोप कुछ नहीं देख पा रहे हैं कार्ड एक ही एक्सप्लेन करता है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो देख नहीं पा रहे हो ये पूरा रीडिंग के साथ हैंड इन हैंड जा रहा है सो टेन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स ओके आपका फर्स्ट कार्ड आपका सेकेंड कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स ओके सेवन ऑफ कप्स ओ गॉश, ओके एनीवेज नेक्स्ट है आपका नाइन ऑफ स्वर्ड्स ओके एंड लास्ट है आपका द मून ओके द मून सो फॉर ग्रुप नंबर थ्री हमें से बहुत लोगों के लिए क्या आप देख नहीं पा रहे हो वो है एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ को लेके ओवरऑल ओके okay, जो इंसान शायद एक इंसान है जो आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा है या फिर ये डिवाइन ब्लेसिंग हो सकता है जो आपको दिया जा रहा है नाम में से बहुत लोग उसी को देख नहीं पा रहे हो ओके सो विद द टेन ऑफ पेंडिकल्स आई एम ऑल्सो सीन कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइफ है जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग फैमिली बॉन्डिंग मुझे यहाँ दिखाई पर रहा है लेकिन आम में से बहुत लोग यू यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की कमी है ओके okay, बहुत कुछ है लेकिन यहाँ ग्रेटिट्यूड की कमी है सो so, जब आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में इन होंगे ये पूरा एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा आपके लिए एंड जो आपको दिया जा रहा है वो आपको दिखाई पड़ेगा ओके सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे देर दिस एनर्जी अराउंड वॉन्टिंग मोर ओके वन थिंग मोर आउट ऑफ लाइफ इवन इफ बहुत कुछ है यहाँ पे आप फुलफिल्ड फील नहीं करो इट मे भी रिलेटेड टू वेल्थ फॉर सम ऑफ यू ओके इट मे बी रिलेटेड टू वेल्थ जहाँ पे यू हैव एनफ ओके एंड आपके पास है ओके okay? बहुत है बट स्टिल uh, यहाँ पे वॉइट uh, है ओके okay? जिसको आपको फील करने का मन है जो आपको लग रहा है कि कुछ कमी है ओके okay? एंड दैट्स वॉट यू आर नॉट सींग ओके वही आप नहीं देख पा रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत कुछ है ऑलरेडी जिसको आपको लेके ग्रेटिट्यूड या फिर ग्रेटफुल होना चाहिए ओके बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन आप में से बहुत लोग किले आप जितना डिनाइल में हो जितना आप यू नो ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे उतना हो उतना ज्यादा आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि यू कीप अन फीलिंग लाइक कुछ ना कुछ तो कमी है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ओके okay? कुछ ना कुछ तो है जो नहीं है ओके okay, जो चाहिए मुझे एंड ये बहुत सारा इल्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रहा है विद द सेवन ऑफ कप्स बहुत कन्फ्यूजन अननेसेसरी कन्फ्यूजन आपने से बहुत लोगों के लिए ओके फॉर सम ऑफ यू शायद कोई ना कोई है जो आपको हायर लेवल कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहा है ओके इट्स फॉर फ्यू ऑफ यू एनामे से बहुत लोग आपको लग रहा है कि नो दिस इज नॉट गुड ओके, ये ये आपके लिए काफ़ी नहीं है ये वैसा एनर्जी मिल रहा मुझे एक्चुअली ओके टू बी ऑनेस्ट बोलने में बहुत अजीब लग रहा है ये बट दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर ओके जहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमी है कुछ ना कुछ तो नहीं है कुछ ना कुछ तो बाकी रह गया ओके सो फॉर सम ऑफ यू ये बस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है ये कुछ ना कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है ओके okay? ये कुछ मिसिंग पजल पीस मुझे वैसा वाइब मिल रहा है ओके एंड ये अननेसेसरी आपके लाइफ में एंगजाइटी क्रिएट कर रहा है आपने से बहुत लोगों के लिए आप वरीड फील कर रहे हो आप एन्शियस फील कर रहे हो बहुत इल्यूजनरी जैसा लग रहा है बहुत कुछ चीजें आपको एंड ओवरऑल जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है आप उसको देख नहीं पा रहे हो ओके एट द एंड ऑफ द डे आप उसको देख नहीं पा रहे हो विद द मून बहुत एवरी थिंग सीम्स लाइक इट्स इन द डार्क आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हिडन है बट नथिंग इज हिडन ओके एंड दैट्स वॉट यू आर नॉट सींग कुछ भी हिडन नहीं है यहाँ पे सो लेट्स सी हम लोग एनिमल टेरो कार्ड से चार कार्ड निकालेंगे आपके लिए सो so,

सो लेट्स किंग ऑफ वंस है आपका फर्स्ट कार्ड ओके आपका सेकेंड कार्ड है अवेकनिंग जो थोड़ा सा रिवर्स आया ओके हैंगडमैन है ये एक्चुअली एट ऑफ कप्स है यहाँ पे ओके एंड लास्ट इज एज ऑफ वंस सो आप इतना ज्यादा यू यू आर कॉट अप इन द इल्यूजन ओके जहाँ पे आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ को ओके okay, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको लेके आप ज्यादा ग्रेटफुल फील नहीं कर एवरीथिंग इज अराउंड ग्रैटिट्यूड जहाँ पे देर इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड ओके यूनिवर्स के ब्लेसिंग को आप खुद डिनाई कर रहे हो आप में से बहुत लोग आप खुद दिख नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से सब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में सो द रूट कॉज इज बेसिकली लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आई एम सींग विद द हैंगडमैन यहाँ पे आपको अपना परस्पेक्टिव शिफ्ट करना चाहिए ओके okay, आम में से बहुत लोग सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हो या फिर इन अ मेटेरियलिस्टिक वे ओके आम में से किसी किसी के लिए मुझे वैसा वाइप मिले सो so, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना आपका डिवाइन uh, के साथ जो कनेक्शन होता है उससे आपका कनेक्शन थोड़ा छुट रहा है थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो उससे एंड जिसकी वजह से आपको ये एक सेंस ऑफ लैक जैसा लग रहा है ओके okay? जहाँ पे आपको लग रहा है कि कमी है कमियाँ ही कमियां हैं लाइफ में ओके okay? सो so ये वैसा वाइप है बट दिस इज लाइक रियली सैड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ओके क्योंकि विद दिस एनर्जी विद नाइन ऑफ स्वर्थ एंड एट ऑफ कप हमने से बहुत लोगों को मालूम है कि किसी ना किसी चीज से आप एस्केप करने की कोशिश करो, अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश कर लेकिन द थिंग इज बेसिकली आपके अंदर ही कुछ ना कुछ इमोशन है जिसको आपको हील करना है पहले ओके okay? एंड आप जितना एक्सटर्नल सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप अपने से खुद दूर हो रहे हो सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, सो यहाँ पे स्पिरिचुअली चीजों को देखने का भी एक इम्पोर्टेंस होता है ऑफकोर्स प्रैक्टिकलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लेकिन उसको आप जितना डिवाइन कनेक्शन ओके यानी कि यू नो डिवाइन के साथ जितना कनेक्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा आप देखेंगे देयर इज लाइक मैजिक एवरीवेयर ओके देयर इज लाइक मेरेकल एवरीवेयर सो आप में से बहुत लोगों को यही समझना है कि एट दिस करंट मोमेंट आपके लाइफ में जो है वो एक ब्लेसिंग है एंड फॉर सम ऑफ यू आप उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर ओवरलुक कर रहे हो उसको एंड उसी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर में ब्लेसिंग आना भी है उसमें आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो ओके सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग सो फॉर सम ऑफ यू आपको मूव ऑन करना है किसी पास्ट सिचुएशन से जहाँ पे आपने शायद डिसअपॉइंटमेंट देखा एक्सपेक्टेशंस को लेके ओके okay? जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा होगा लेकिन निकला कुछ और लेकिन ये दिस इज योर पर्सपेक्टिव एक्चुअली जिसके आसपास ये सब रीडिंग ये पूरा रीडिंग हा फोकस किया जा रहा है वो आपका पर्सपेक्टिव है देखने का नजरिया आप चीजों को जैसे देख रहे हो ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग बट एक्चुअली एवरीथिंग इज इन डिवाइन ऑर्डर फॉर ग्रुप नंबर थ्री सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में है आप अपने ब्रांड न्यू बिगिनिंग को खुद ब्लॉक मत कीजिए बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन ओके क्योंकि आप में से बहुत लोग इल्यूजन में जी रहे हो एंड यहाँ पे आपको बार बार बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आपको उससे बाहर निकलना है ओके एंड एज वेल आई एम सींग कि यहां पे अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट uh, फाइनेंस चाहते हो अपने लिए देन इट्स टाइम कि आप उसको लेके एक्शन ले ओके बट एज वेल एज थोड़ा अपने आप को ग्राउंड करे ओके okay? यहाँ ग्राउंडेडनेस की जरूरत है जहाँ पे आप अपना इमोशंस जो है उसको स्टेबल कर रहो अपने को ग्राउंड करो ओके okay? क्योंकि आप जिस जगह से आ रहे हो वो बहुत ही इल्यूजनरी है ओके okay, हमें से बहुत लोगों के लिए जिसके वजह से यू uh, नो you know, आप चीज़ों को लेके जो एक हैप्पीनेस या फिर जो जॉय होता है आप उसको देख नहीं पा रहे हो ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग सो लेट्स सी हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके फॉर ग्रुप नंबर थ्री सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर थ्री नॉट सेंग राइट नाउ ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप नंबर थ्री नहीं देख पा रहा है ओके व्हाट इज़ ग्रुप नंबर थ्री नॉट सेंग राइट नाउ ओके फ्रेंडशिप ओके आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माय लाइफ फॉर अ रीजन सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक इंसान के आसपास है डेफिनेटली आई एम सींग एंड ये इंसान आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड आया है ओके okay? जिनके साथ आप अपना इमोशंस शेयर कर सकते हो जो आपको हीलिंग दे सकता है इन सम वे आप में से बहुत लोग शायद इस इंसान को देख नहीं पा रहे हो ओके okay? क्योंकि इस इंसान के थ्रू से शायद बहुत गाइडेंस आपको दिया जा रहा है या फिर बहुत मैसेजेस इनडायरेक्टली आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको दे रहे हो ओके एना में से बहुत लोग उसको देख नहीं पा रहे हो ओके okay? उसके पीछे का जो ब्लेसिंग है आप उसको देख नहीं पा रहे हो सो so, सेल्फ स्टीम है यहाँ पे आई पॉजिज गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स सो सेल्फ स्टीम इश्यू भी हो सकता है आपने से बहुत लोगों के लिए सो ओके सो फॉर सम ऑफ यू अच्छा ओके okay. सो so, आपका जो सेल्फ इस्टीम है उससे भी ये हाईली कनेक्टेड है सो द पॉसिबिलिटी इज कि आप शायद अपने आप को इस यू uh, नो you know, ये जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हो उसको लेके आप डिजर्विंग फील नहीं करते हो शायद देट में भी वन थिंग एंड ये बहुत ही अलग ढंग से प्रोजेक्ट हो रहा है शायद इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड पर हैवस ओके आप में से किसी के लिए ये आपका खुद का सेल्फ स्टीम इशू हो रहा है शायद यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हो ओके एंड जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू एंड ये एक्सटर्नली बहुत ही अलग ढंग से निकल रहा है दैट में बी वन थिंग क्योंकि इसका रूट कॉज शायद आपका सेल्फ स्टीम है जहाँ पे आपको नहीं लगता है कि आप ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हो एंड जिसकी वजह से आपके सामने जो ब्लैसिंग्स है उसको भी लेके आप ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हो सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग ओके सो लेट्स लेट्स सी करेज है यहाँ पे आई फाइंड द इनर स्ट्रेंग टू फेस फ्यर विथ कॉन्फिडेंस सो ये रिवर्स आया सो आप में से बहुत लोगों के लिए जो करेज है अपने डर को फेस करने का ओके ब्रैंड न्यू बिगिनिंग को फेस करने का आप में से बहुत लोगों के लिए शायद उसकी कमी है या ओके सो फॉर सम ऑफ यू ओके ओके सो वर आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज दैट विद द सेवन ऑफ कप्स सो शायद आप में से बहुत लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हो अपने से या फिर ये जो ऑपरचुनिटी आ रहा है ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है इनको लेके आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा यू नो इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड वैसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस इंटरनली शायद आपको लगता है कि आई आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस में ये डिजर्व नहीं करती या फिर नहीं करता ये शायद आपका एक्सटर्नली बहुत ही अलग ढंग से निकल के आ रहा है जहाँ पे एंशियस फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग जहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी ओके दैट में बी वन थिंग एंड ये शायद फियर बेस्ड शेडो वर्क आप में से बहुत लोग को शेडो वर्क करना है उसके आस पास ओके okay. यहाँ पे कॉन्फिडेंस इशू भी है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग क्रिएट करने के लिए बहुत डर है यहाँ पे बहुत डर है एंड जिसके वजह से अगर आप कुछ नया बिगिनिंग भी लाना चाह रहे हो कुछ फाइनेंस को लेके उसमें आप कॉन्फिडेंस जो है वो लेक लैक कर रहे हो शायद जहाँ पे या आपको नहीं लगता है कि आप कर पाएंगे सो so, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वहाँ से निकलना है वही शेडो वर्क आपको करना है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ओके सो लेट सी हम लोग विजडम फॉर हेलिंग कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके सो लेट सी ओके सो व्हाट ड्रुप नंबर थ्री नॉट सीम राइट नाउ व्हाट इज ग्रुप नंबर थ्री नॉट से सो डू लेस इज आउटर सो आप में से बहुत लोग योर लेवल ऑफ डूइंग फॉर अदर्स

या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग दैट्स ओके दिस इज लाइक आई एम कैचिंग ऑन इट ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक सर्टेन वे में अपने आप को कैरी करना चाहिए एक सर्टेन वे में लोगों को अप्रोच करना चाहिए लोगों को खुश करने के लिए दैट इज वन थिंग आई एम सींग एंड वही आपको शिफ्ट करना है सो so यहाँ पे सेल्फ स्टीम का इशू मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है नाम में से बहुत लोग के लिए बोला जा रहा है कि टेप विद इन टेप इन टू योर सोल ओके अपना जो सोल का पावर है उसके यू नो एनर्जी में टैप्टिन हुई क्योंकि जस्ट दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन जो लैकिंग है थोड़ा सा सोल कनेक्शन ओके सो दैट मे बी वन थिंग में से किसी के लिए सो लेट गो ऑफ रिजनमेंट है acknowledge one resentful feeling you need to release and keep in mind that all types of resentment are poison and harm the healing process your goal is to become mindful of your reasons for staying angry and to begin letting go of negative feelings by the end of the day so resentment then it's time to let go of it okay there are so many things that is coming up okay emotions ओवरवेलमिंग इमोशंस है जो आपके लिए एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ये बस एक इमोशन नहीं है ओके एंड दैट्स वॉट यू आर नॉट ये बस एक इमोशन नहीं है बहुत सारा इमोशन है एंड ओवरवेलमिंग इमोशन है जिसको आपको एड्रेस करना है इन सम वे ओके सो अगर यहाँ पे किसी को लेके गुस्सा है एंगर है देन ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको ये रिलीज करना है क्योंकि ये आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है ओके फॉर सम ऑफ यू आप रात को सो नहीं पा रहे हो, बिकॉज़ ऑफ दिस विद द नाइन ऑफ स्वर्ड्स एंड द मून एंड ये आपके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आ रहा है आपके लाइफ में उसको ब्लॉकेज उसके उसको लेके ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस ओके आइडेंटिफाई वन पीस ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस दिस कुट रिलेट टू अ पर्सन और अ टास्क देन डू वन थिंग टू ब्रिंग इट टू क्लोजर इफ़ यू फाइंड दैट यू आर अनेबल टू डू सो यू हैव आइडेंटिफाइड अ मेजर पावर लीक एंड अ सीरियस ब्लॉक टू योर हीलिंग योर गोल इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल एक्सपीरियंसेज इदर मेक यू बीटर और बेटर सो so, आम में से बहुत लोगों के लिए देयर इज दिस एनर्जी अराउंड फीलिंग बिटर एज वेल एंड वही आपको एड्रेस करना है देयर इज लाइक सो मेनी इमोशंस दैट यू नीड टू एड्रेस एंड जिसको आपको हील करना है एंड आम में से बहुत लोग उसको डिनाई कर रहे हो शायद इन समे और अदर क्योंकि यहाँ पे करेज की भी कमी है उन इमोशंस को फेस करने का सो देयर इज दिस डिनायल ओके आम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की भी कमी है एक्चुअली जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उस चीज़ को लेके ओके okay, देयर्स सो मेनी थिंग्स जो आप नहीं देख रहे हो ओके okay? बहुत कुछ चीजें आपके लाइफ में एक यू नो फ्रेंड जैसा एक इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया है आपके लाइफ में ओके सो दिस में बी अ फिगर इन योर लाइफ ओके ये आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पार्टनर हो सकता है वेन इट कम्स टू योर लव लाइफ ओके आई एम सिंगे इंसान आपको बहुत कुछ यू नो इन समे और आदर सपोर्ट करने के लिए है इनक्रेज करने के लिए है ये इंसान आपके लाइफ में एंड इन सम वे आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया है ओके सो आई एम seeing सींग uh, you know, uh, okay? so, out here वाह दिस इज ऑल अबाउट perspective आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन अ वे यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव से देखना उस एस्पेक्ट से आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप में से बहुत लोग के एंड वही यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इट्स टाइम टू रिकनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअल सेल्फ वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपको अपना थर्ड आई जो है वो क्लींस करना है ओके okay, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो ब्लेसिंग आपको दिया भी जा रहा है आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि इतना सारा इमोशंस ओवरवेलमिंग इमोशंस है जिसको आपको हील करना है अभी भी देयर इज नीड फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग ओके मूव ऑन फ्रॉम रिजेंटमेंट आप में से बहुत लोगों के लिए ये गुस्सा हो सकता है कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है जहाँ आपको लगता है कि कुछ यू नो आधा रह गया उससे आपको मूव ऑन करना है ओके okay? क्योंकि ये आपकी खुद के लिए बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट क्रिएट कर रहा है ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर थ्री सो हमें से बहुत लोग यू नो या कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हो ओके एरिस लियो सैजिटेरियस ओके वही मिला मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न uh, आपने से बहुत लोग के लिए एंड वर्गो एज वेल ओके फॉर सम ऑफ यू सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर थ्री एस यू सो एंड अगेन मै नेक्स्ट रीडिंग टेल एंड टेक केयर